तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में भाई मैं राहुल आप लोगों के लिए रूबी क्यूब की एक ऐसी मेथड लेकर के आया हूं जिसको आप देखने के बाद कभी भी नहीं बोलोगे कि क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट रूबी क्यूब का ट्यूटोरियल जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ में सीख जाओगे, क्योंकि इस मेथड में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से याद करवा दूंगा ना कि आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे और जितने भी लोगों को बताओगे वो भी कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो यार आज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी मजेदार है। इंट्रो थोड़ा सा लंबा है, इंट्रो यदि आपने कंप्लीट देख लिया, क्योंकि ये जो इंट्रो है वो अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल नहीं है, अकॉर्डिंग टू यू है। क्योंकि यहां पर आप जो क्यूब सॉल्व करना चालू करते हो शुरू से, जब आपने क्यूब लिया है उसके बाद यदि आप सॉल्व करना चालू करते हो तो आपको यहां पे, जैसे ये मेरे पास में क्यूब है, ये बिगड़ा है, आप जब सॉल्व करना चालू करते हो तो यहां पे आप देखते हो कि हमारे पास में व्हाइट कलर है, ऑरेंज कलर है, ग्रीन, ऐसे सिक्स कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप क्यूब को सॉल्व करना चालू करते हैं कि भाई यार मैंने तो व्हाइट कलर बना लिया, फिर चलो अब दूसरा कलर बनाते हैं, तो आपका पहला कलर बिगड़ जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो और क्यूब को फेंक देते हो। अब क्या करते हैं, यदि आपको क्यूब सॉल्व करना है तो आप क्या करते हो, आ जाओ देखते हैं। आप सबसे पहले इस क्यूब को लेते हो, ये बिगड़ा हुआ क्यूब है, इसको सॉल्व करने के लिए इसके सारे पीसेस निकाल लेते हो और धीरे धीरे इसके कलर के हिसाब से आप इसको अरेंज करते हो और क्यूब को सॉल्व करना चालू कर देते हो। तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको क्यूब सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये मेथड आपको आती है और आपको इसके अलावा कोई दूसरी मेथड आती ही नहीं है। तो बिना पीसेस निकाले आप किसी भी स्क्रैम्बल्ड रूबी क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपकी मेथड है, मेरी नहीं। तो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको क्यूब सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, क्योंकि इसी इंट्रो बेस्ड वीडियो के हिसाब से पूरा 30 मिनट आपका जाने वाला है, और 30 मिनट है क्योंकि किसी भी अच्छी चीज को सीखने में थोड़ा सा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे पीसेस को मैं निकाल लेता हूं। तो गाइस यदि आप किसी भी रूबी क्यूब को जब सॉल्व करने लग जाते हो सारे इसके पीसेस निकालने के बाद में, तो आपको यहां पे तीन चीज देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे आपको कुछ इस तरीके का कोर देखने को मिल जाता है जिससे ये दो टाइप के पीसेस इससे अटैच होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा कोर है इसमें आपको सिक्स सेंटर पीसेस देखने को मिल जाते हैं। ध्यान देना, मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है काफी अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ पीसेस के अकॉर्डिंग। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको सिक्स सेंटर पीसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि ये अनमूवेबल है। तो ये मूव तो कर रहे हैं बट अपनी पोजिशन से हट नहीं रहे हैं, ये हमेशा एक ही जगह मूव करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक अलग तरीके का पीस देखने को मिल जाता है, तो ये है एज पीस। इसमें आपको दो कलर देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे व्हाइट ब्लू और ये है ग्रीन एंड ऑरेंज। अब तीसरा जो अलग पीस है वो हमको, ये हम बोलते हैं इसको कॉर्नर पीस, ये है, इसमें होते हैं तीन कलर जैसे व्हाइट ऑरेंज एंड ग्रीन। ऐसे हमको एट पीसेस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं 12 पीसेस। तो इन सब पीसेस को मिलाकर के हमारा एक क्यूब बनता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इस व्हाइट सेंटर से शुरू करते हैं। तो इस व्हाइट सेंटर से हम शुरू करते हैं, तो हम ढूंढते हैं हमारा एक व्हाइट एज पीस। तो इस व्हाइट एज पीस में दूसरा कलर क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन है, तो यहाँ पे हम व्हाइट एंड ग्रीन सेंटर पीस के पास में इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो, तो फर्स्ट स्टेप रहेगी हमारे यहाँ पे प्लस बनाना। तो हम देखते हैं व्हाइट एंड ब्लू, सेकेंड एच पीस हमने ढूंढ लिया। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम दो और एच पीस ढूंढते हैं। तो गाइस चार एच पीसेस की मदद से मैंने यहाँ पे प्लस बना लिया, ये होती है फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जब मैं क्यूब सॉल्व करना सिखाऊंगा तो ये स्टेप आपको काम में आएगी। तो यहाँ पे मैंने प्लस बना लिया। सेकेंड स्टेप में हम बनाने वाले हैं पूरा का पूरा एक व्हाइट कलर। तो गाइस चार कॉर्नर पीस की मदद से मैंने फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट कर ली है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट लेयर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जहां पे हमारा एक व्हाइट कलर कंप्लीट बन गया है। फिर उसके साइड में ग्रीन कलर पूरे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे ब्लू एंड यहाँ पे रेड। ये कुछ इस तरीके से सारे सेंटर पीस से मैच करते हुए दिखते हैं आपको। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो सेंटर पीस सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है। तो आप येलो वाला एच पीस हटा दो यहाँ से। अब बचते हैं हमारे पास में सिर्फ ये चार एच पीस। इन एच पीस में येलो कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चूज करता हूँ ब्लू एंड रेड एच पीस। तो ब्लू एंड रेड एच पीस को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाऊंगा। तो देख सकते हो ये मेरी सेकेंड लेयर कंप्लीट हो गई है बहुत ही आसानी के साथ में। अब क्या करते हैं, इन चार एच पीस और चार कॉर्नर पीस की मदद से हम यहाँ पे हमारी थर्ड लेयर बनाते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा 3x3 रूबी क्यूब अरेंज हो गया। तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग आप क्यूब सॉल्व करना काफ़ी आसानी के साथ में सीख जाओगे। तो जो मैंने थर्ड लेयर आपको कंप्लीट नहीं बताई है, क्योंकि इसमें आप जो पीसेस के अकॉर्डिंग क्यूब सॉल्व करते हो थर्ड लेयर में, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसको मैं आपको ट्यूटोरियल में काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा
वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ में समझाऊंगा। तो प्लीज़ थर्ड स्टेप काफ़ी अच्छे से देखना यार, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट, बिना पीसेस निकाले क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज मैंने अपने क्यूब को काफ़ी अच्छी तरीके से स्क्रैम्बल कर लिया। स्क्रैम्बल करने के बाद में जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले क्यूब में हमको प्लस बनाना पड़ता है। तो ये है हमारा टारगेट कि हमको यहाँ पे प्लस बनाना है। तो प्लस हमको बनाना है, तो प्लस बनाने की सबसे ईजी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो एक मिनट का भी स्किप नहीं करना, यदि आपने स्किप कर दिया तो आपको क्यूब बनाना बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको एक सेंटर पीस चूज करना है। तो सेंटर पीस हम चूज करते हैं व्हाइट वाला, क्योंकि यदि व्हाइट वाला हम चूज करेंगे तो डे बाय डे प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम क्यूब बहुत ही आसानी के साथ में सॉल्व करना सीख जाएंगे। और मैं भी व्हाइट वाला चूज कर रहा हूँ, तो आप भी व्हाइट वाला चूज करो और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, आप काफी इजीली सीख जाओगे। अब हम हमारे चारों एज पीसेस ढूंढते हैं व्हाइट कलर के। तो एक सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, दूसरा हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। कॉर्नर और एच पीस में कन्फ्यूज मत होना, कॉर्नर पीस में तीन कलर होते हैं, एच पीस में दो। तो हमको एच पीस ढूंढने क्योंकि हमको प्लस बनाना है। अब क्या करते हैं, हमारे चारों एच पीसेस को हम व्हाइट सेंटर के आजू आजू ना लाते हुए येलो सेंटर के आजू आजू लाते हैं। सबसे ईजी ट्रिक है, प्लीज एक बार ट्राई करके देखो, बहुत मजा आएगा। अब क्या करते हैं, जैसे कि एक ऑलरेडी है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा एच पीस हमारे पास में या तो ये है ले सकते हैं ये, या तो ये। सबसे ईजी वाला पहले देखते हैं कि व्हाइट के आजू आजू है कोई एच पीस ऑलरेडी है, तो ये वाला लाना काफी ज्यादा इजी है। कैसे इजी है मैं आपको बता दूं, आपको जस्ट इसको दो बार रोटेट करना है, आ जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऑलरेडी हमारा एच पीस यहाँ पे है, तो हमारे पास में तीन और खाली स्पेस है जहाँ पे हमारे तीन एच पीस आएंगे व्हाइट कलर के। तो ये वाली जो खाली स्पेस है इसको हम इस वाली लेयर पे रखते हैं, क्योंकि ये वाली लेयर हमारी रोटेट हो रही है जब हम इस वाले एच पीस को लेकर के आ रहे। देखो हो रही ना, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्पेस है खाली वाले, ये वाली लेयर तो रोटेट हो नहीं रही है, तो इसको इस वाली लेयर पे रख देते हैं, ताकि जब हम ये वाले एच पीस को दो बार रोटेट करेंगे तो इजीली हमारा एच पीस येलो सेंटर के पास में आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा एच पीस जो कि काफ़ी ईजी पोजिशन पे हो। तो तीसरा एच पीस देखते हैं, ये भी हम ले सकते हैं, बट ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, यहाँ पे ऊपर में है ये। तो सबसे पहले हम करते हैं ये वाला जो सेकेंड लेयर में है, थर्ड लेयर वाले को हम अभी छोड़ देते हैं, ये वाले जो सेकेंड लेयर में इस तरीके से या तो लेफ्ट में हो या तो राइट में हो वाले एच पीसेस को सबसे पहले सॉल्व करो। सबसे पहले यदि नीचे में मिलता है तो पहले उसको, फिर यदि राइट और लेफ्ट में है तो पहले उसको। अब क्या करते हैं, सिंपल हमको इसको जस्ट यहाँ पे मूव करना है, और जैसे कि आप देख सकते हो ये वाले हमारे तीन एच पीसेस येलो सेंटर के पास में आ गए, अब बचा चौथा वो यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से हमको चारों एच पीसेस को लाना है। कई बार आपको ये वाली सिचुएशन देखने को मिल जाती है जहाँ पे आपके तीनों एच पीसेस तो आ गए हैं, बट चौथा एच पीस आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके की पोजीशन में होगा। मैंने जैसे कि आपको बताया, पहले आपको बॉटम साइड का सॉल्व करना है, ऊपर लेकर के आ जाओगे आप, एक तो राइट एंड देन लेफ्ट। अब बात करते हैं कि ये आपके नीचे साइड में, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको यदि यहाँ पर लाना है इसके लिए, तो आपको सिंपल क्या करना है, खाली वाली जो स्पेस है उसके नीचे वाले एच पीस को लाना है। किस तरीके से, ऐसे ला लिए। अब क्या करना है, सिंपल है, इस वाले एच पीस को या तो इधर लाओ या तो इधर लाओ। कैसे लेकर के आओगे, आपको मैं बता दूं कि आपकी जो क्यूब की फ्रंट लेयर भी रोटेट करती है, तो कुछ इस तरीके से इधर रोटेट कर लो। रोटेट कर लिए, अब आपको सिंपल सॉल्यूशन है, यदि ये वाला एच पीस को यहाँ पर लाना है, आप पहले ट्राई करोगे ऐसे लाना, पर ये वाला ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम नहीं लेकर के आएंगे क्योंकि ये हमारा बिगड़ जाएगा। अब क्या करते हैं, जो खाली स्पेस है उसको इस वाली लेयर के ऊपर लाते हैं, क्योंकि ये वाली लेयर हमारी मूव हो रही है। तो हमने जैसे कि ये लेकर के आ गया, अब जब मैं इसको मूव करूंगा तो हमारे चारों एच पीसेस येलो सेंटर के आजू बाजू आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हो सकता है कि लोगों को एक और ये वाली प्रॉब्लम फेस करने को मिले, क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट मैं सारी प्रॉब्लम आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको क्यूब बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये देखो तीनों हमारे एच पीसेस आ गए हैं येलो सेंटर के आजू बाजू, बचा चौथा है वो यहाँ पे है, मतलब ये फ्लिप है। अब लोग बोलेंगे कि इसको निकाल के मैं लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा फनी सीन हो जाता है, बट मैं आपको बता दूँ सिंपल है इसका भी ट्रिक, आपको करना कुछ नहीं है,
इसको या तो इधर रोटेट कर दो या तो इधर रोटेट कर दो। अब आप कंफ्यूज रहेंगे कैसे मैं रोटेट करूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके क्यूब की जो लेयर है वो फ्रंट साइड से भी रोटेट होती है, तो आपको जस्ट इसके ऊपर इस तरीके से हाथ रखने और इधर मूव कर देना है, इधर कर दो या तो इधर कर दो। अब क्या करते हैं, इसको सिंपल खाली वाली स्पेस को ऊपर रखते हैं, इसको ऊपर रोटेट करते हैं, चारों एच पीस हमारे आ गए। अब इसके आगे की स्टेप देखते हैं। चारों एच पीसेस हमारे येलो सेंटर के आजू बाजू आ गए। अब हमको डायरेक्ट प्लस बनाना है, प्लस बनाना है बॉटम साइड में। कैसे बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ। हमको क्या करना है, एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। ये जो हमारा लेफ्ट थंब है उसको एक कोई भी एच पीसेस के सामने रख लेना है, जैसे ये फ्रंट साइड के जो एच पीस है हमारा उसके ऊपर रख लेना है। देखो ये रख लिया मैंने लेफ्ट थंब को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करते हैं, ये जो राइट थंब है उसको इस वाले राइट साइड के एच पीसेस के नीचे वाले सेंटर पर रख लेना है। ये हमारी पोजीशन बन गई, इससे आपको क्यूब रोटेट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वाला जो सेकंड वाला एच पीस है हमारा, मतलब ये हमारा मेन एच पीस है, ये तो नहीं है, ये हेल्प करेगा इसको सॉल्व करवाने में। अब क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा थंब है इसको हम रोटेट करेंगे, और रोटेट तब तक करते जाएंगे जब तक ये वाला एच पीस का जो सेकेंड कलर है ऑरेंज वाला वो इस वाले सेंटर से मैच नहीं हो जाता। एक बार रोटेट करते हैं, देखो हो गया। अब हो गया तो इस वाले थंब को इस वाले एच पीस के ऊपर रख दो और दो बार रोटेट कर दो। देखो ये वाला कंप्लीटली अरेंज हो गया। अब सेम, अब इस वाले थंब को इस वाले एच पीस पे रखो एंड इस वाले थंब को इस वाले सेंटर से। अब तब तक मैच करना है जब तक ये रेड वाला इस वाले रेड से मैच ना हो जाए। अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अब हो गया। अब दो बार सिंपल घुमा दो और नीचे ला लो। सेम यही वाला है, ये ऑलरेडी मैच है, तो इसको इस तरीके से दो बार रोटेट करेंगे और ये हमारे तीनों एच पीसेस बन गए। अब एक और बचा है वो ग्रीन एंड वाइट, तो इसको इस तरीके से रखते हैं एंड ये ग्रीन को इस वाले ग्रीन सेंटर से मैच करेंगे। अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अब हो गया। अब दो बार रोटेट कर देंगे तो हमारा प्लस काफ़ी ईजीली बन जाएगा गाइस। तो गाइस हमने हमारे क्यूब में प्लस बना लिया है। प्लस बनाने के बाद में जो हमारी स्टेप होती है अगली, सेकेंड स्टेप, उसमें हमको फर्स्ट लेयर कम्प्लीटली बनानी होती है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा व्हाइट कलर बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम फर्स्ट लेयर बनाते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। तो सबसे पहले हमको जो हमारा प्लस है उसको हमेशा फर्स्ट लेयर पर रखना है, फर्स्ट लेयर इन द सेंस बॉटम लेयर। तो ये जो हमारी हो गई है फर्स्ट लेयर हो गई है जिसको हम अभी बनाने वाले हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये फर्स्ट लेयर हो गई जहां पे हमारा प्लस है, ये हो गई हमारी सेकंड लेयर, और ये ऊपर की हो गई हमारी टॉप लेयर, थर्ड लेयर। तो यहां पे हमको हमारे चार कॉर्नर पीसेस ढूंढने हैं जिसमें हमको व्हाइट कलर ढूंढना है, क्योंकि हमको व्हाइट कलर बनाना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, व्हाइट कलर के कॉर्नर पीसेस देखते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। सबसे इजी वाला कॉर्नर पीस हम ढूंढते हैं, तो सबसे इजी वाला कौन सा होगा ये मैं आपको बताता हूँ, थर्ड लेयर वाला, फर्स्ट वाला भी नहीं, थर्ड लेयर वाला। तो यहाँ पे थर्ड लेयर में आपको दो टाइप के पीसेस देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोगों को सिर्फ इस तरीके का देखने को मिल रहा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपके फ्रंट में वाइट कलर होगा और अदर देन एक दूसरा केस भी होगा जहाँ पे आपका वाइट कलर टॉप में होगा। अभी देखो टॉप में फेस कर रहा है, अभी ये थर्ड लेयर में आपके फ्रंट में फेस कर रहा है। तो इस वाले व्हाइट कॉर्नर पीस से हम शुरुआत करते हैं जो कि हमारे सामने है। अब इस वाले व्हाइट को हमको नहीं देखना है, हमको देखना है इसके साइड वाले कलर को, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देखना है, मतलब ये वाला हमारे सामने होना चाहिए। अब हमारा जो राइट थंब है उसको इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमारा व्हाइट कलर है वो राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में होता तो हम लेफ्ट वाला थंब हमारा यूज करते हैं, अभी राइट में है तो हमको राइट वाला थंब यूज करना है, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, इस वाले कलर को इस वाले सेंटर से मैच करना है, ठीक है, ऑरेंज है तो ऑरेंज वाले सेंटर से मैच करते हैं। अभी भी हुआ, नहीं हुआ, अब हुआ, नहीं हुआ, अब हुआ, हाँ हो गया, अब देख लो हो गया। तो अब क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से पोजिशन बना लो। अब ये वाली जो राइट लेयर है, क्योंकि कॉर्नर पीस हमारे राइट लेयर में है, तो राइट वाइट लेयर को ऊपर करेंगे और इस कॉर्नर पीस को इस एज पीस के पास में बुलाएंगे, ध्यान देना, इसको ऊपर करेंगे और इस कॉर्नर पीस को इस एज पीस के पास में बुलाएंगे एंड नीचे कर देंगे। तो ये देखो हमारा कॉर्नर पीस सॉल्व हो गया। अब हमारा दूसरा हम कॉर्नर पीस देखते हैं, तो दूसरा कॉर्नर पीस हम देख लेते हैं वो ये, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम फेस ना करते हुए हम इसके साइड वाले कलर को फेस करते हैं कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि मैंने बताया कि राइट साइड में था हमारा व्हाइट कलर, अब हमारा लेफ्ट साइड में हो गया, तो हम लेफ्ट
हैंड का थंब यूज करेंगे इसको सेटअप करने में। तो लेफ्ट हैंड का थंब हम इस ऑरेंज कलर पर रखेंगे, ठीक है। अब इस ऑरेंज से इस ऑरेंज सेंटर को मैच करते हैं इस वाले थंब की मदद से। मैच हो गया, बिल्कुल हो गया। अभी हमारे लेफ्ट साइड में आया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वाली लेफ्ट लेयर को हम ऊपर करेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड में कॉर्नर है। अब इसको मैं सिंपल ऊपर करूंगा और इस एच पीस के पास में बुलाऊंगा और डाउन कर दूंगा। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जहां पर आपको जो व्हाइट कलर है वो थर्ड लेयर में टॉप साइड में देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे फ्रंट फेसिंग था तो आपने इजीली सॉल्व कर लिया, बट अब ऊपर है क्योंकि दो तो हमारे सॉल्व हो गए। अब ये दूसरा केस है जहां पे ऊपर है व्हाइट कलर, तो इसको कैसे अरेंज करें। ये सभी लोगों के साथ में सिचुएशन आती ही है, तो इसको भी सीखो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे व्हाइट कलर तो ऊपर है बट सामने साइड में दो कलर है, वो कौन से हैं? एक है रेड और एक है ग्रीन। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमको देखना है ये दो आपके सामने के सेंटर पीसेस, यहाँ पे ग्रीन है और ऑरेंज है, हमको चाहिए ग्रीन एंड रेड। तो ग्रीन एंड रेड कहाँ मिलेगा? ये है ग्रीन एंड रेड, ठीक है, रेड ग्रीन या ग्रीन एंड रेड कहीं पे भी। तो इसके ऊपर लाना है इसको, देखो रोटेट कर दिया एंड आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं यहां से हमको शुरुआत करना है। आ गए इन दोनों के ऊपर, ये चीज आपको बताती है कि ये वाला कॉर्नर पीस यहीं पे लगेगा। तो इसको या तो राइट पे ले लो या तो लेफ्ट पे ले लो। अभी मैंने लेफ्ट में ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वाली राइट लेयर को आपको ऊपर घुमाना है। अब इस कॉर्नर पीस को आपको दो बार रोटेट करना है, देखो इस वाली राइट लेयर को ऊपर घुमाना है और इस वाले कॉर्नर पीस को दो बार घुमाकर यहां पर ला लेना है क्योंकि ई वाली लेयर हमारी नीचे जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि ये वही पोजीशन पे आ गया जो कि आपको ऑलरेडी आती है। तो अब क्या करना है, इस वाले कॉर्नर पीस को यहां पे फेस ना करते हुए इधर साइड फेस करना है एंड इसको ऊपर घुमाना है, ठीक है। आपको ऑलरेडी आता है, आपको क्या करना है क्योंकि लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट लेयर को ऊपर करेंगे, इस वाले कॉर्नर पीस को इस वाले एच पीस के पास में बुलाएंगे और डाउन कर देंगे, तो हमारा तीसरा कॉर्नर पीस सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड वाली जो हमारी पोजीशन थी ऊपर साइड में वाइट कलर फेस कर रहा था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। अब बात कर लेते हैं ये वाला, ये है थर्ड केस जहाँ पे हमारा जो कॉर्नर पीस है वो बॉटम लेयर में, तो बॉटम लेयर में है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये काफी इजी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी हमको व्हाइट कलर को फ्रंट फेस नहीं करना है, इसको हमको करना है इसके साइड वाले कलर को फ्रंट फेस करना है, मतलब इस तरीके से। अभी हमारे फ्रंट फेसिंग हो गया, अभी जैसे कि व्हाइट कलर हमारे राइट साइड में है तो हमको ये वाली राइट लेयर को ऊपर करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि लेफ्ट में हो, वो भी केस में आपको समझाता हूँ, ध्यान देना इस वाले केस पे। राइट साइड में हमारा व्हाइट कलर है तो हम क्या करेंगे, ऊपर करें एंड इस साइड में रोटेट कर दिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यदि आप इस साइड रोटेट करेंगे तो ये वाली लेयर फिर से मूव हो रही है तो ये ऊपर साइड आ जाएगा, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी, ये केस नंबर सेकंड हो जाएगा और इसको अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सिंपल है, इसको इधर रोटेट ना करते हुए इधर रोटेट करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन बन जाएगी जहां से आप इसको इजीली अरेंज कर लोगे कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमारा जो लास्ट कॉर्नर पीस है वो बॉटम में, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाइट कलर हमारे लेफ्ट साइड में, जैसे कि इसके इस वाले कलर को हमको फेस करना है तो व्हाइट कलर हमारे लेफ्ट साइड में है, तो इस वाली लेफ्ट लेयर को हमको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद में इसको इस साइड रोटेट करना है, ना कि इस साइड रोटेट कर दो, रोटेट हो गई। अब आप जानते हो कि इसको किस तरीके से अरेंज करना है, इसको इससे मैच करेंगे, मैच हो गया। अब ऊपर घुमाएंगे, इस वाले एच पीस के पास में बुलाएंगे एंड अरेंज कर लेंगे। तो गाइज ये हमारी फर्स्ट लेयर बन गई है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, रिपीट करो एंड प्रैक्टिस करो, बन जाएगा डेफिनेटली। तो गाइज अब हम बनाने वाले हैं हमारे क्यूब में सेकेंड लेयर। जैसे कि हमारा क्यूब पूरा पूरा आधा सॉल्व हमको दिखाई दे रहा है, तो हम जब हमारी थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि हमने फर्स्ट स्टेप में प्लस बनाया, सेकेंड स्टेप में हमने फर्स्ट लेयर बनाई, थर्ड स्टेप में हम बनाने वाले सेकेंड लेयर, इससे हमारा क्यूब पूरा पूरा आधा सॉल्व हो जाएगा। बहुत मजेदार ट्रिक है, मजा आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हम जब हमारी सेकेंड लेयर बनाएंगे तो हम जो ऊपर वाला जो सेंटर पीस है येलो वाला, उसके एच पीसेस को हटा देंगे। यहाँ से तो हम हटा नहीं सकते, तो हम हमारे येलो एच पीसेस को छोड़ देंगे, उसके अलावा जितने भी हमारे एच पीसेस है उसको हम पिक करेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाले एच पीस को छोड़ देते हैं और ये वाले एच पीसेस को भी छोड़ देते हैं। ये वाला एच पीस देखते हैं जिसमें हमको येलो कलर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कौन सा कलर है? ग्रीन एंड रेड। तो ये हमारे कलर आपको बताएंगे कि
कहाँ पर ये अटैच होने वाले हैं, मतलब ये वाला एच पीस ही आपको बताएगा कि मैं कहाँ लगने वाला हूँ। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये वाला एच पीस आपको बता रहा है कि मैं कहाँ लगने वाला हूँ। तो इस वाले एच पीस में सबसे पहले आपको फ्रंट में जो कलर देखने को मिल रहा है उससे शुरुआत करनी है, मतलब ये ग्रीन है तो इस वाले ग्रीन को इस वाले ग्रीन सेंटर से मैच करना है। कैसे मैच करना है, इसको बिगाड़ना नहीं, ठीक है, इसको मैच करना है। हुआ मैच, नहीं हुआ, हुआ मैच, हाँ हो गया। अब देखो कि इसके ऊपर वाला कलर कौन सा है, इसके ऊपर वाला कलर है रेड। तो अब देखो कि रेड सेंटर किस साइड में, क्या आपके राइट साइड में, नहीं, क्या आपके लेफ्ट साइड में, हाँ लेफ्ट साइड में। तो अब आपको क्या करना है इस वाले एच पीस को, क्योंकि आपको पता है कि अब लेफ्ट साइड में आने वाला है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे रेड हो जाएगा और हमारी सेकंड लाइन धीरे धीरे बनने लग जाएगी। तो अब क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता दूं कि जैसा कि इसने बता दिया कि रेड है तो मैं इस साइड लगने वाला हूँ इस वाले में, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इस साइड रोटेट कर देंगे, ठीक है। अब इस साइड रोटेट हो गया, अब क्या करते हैं इस वाले कॉर्नर पीस को हमको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ, ये बिगड़ तो रहा है पर इसके साथ में लग के दोबारा अरेंज हो जाएगा, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे था, हमने साइड कर दिया, अब इस कॉर्नर पीस को निकालने की सिंपल ट्रिक है, इसको ऊपर करेंगे एंड इस वाले एच पीस के तरफ घुमाएंगे, घुमा दो एंड डाउन कर देंगे एंड दोबारा रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न कर दिए तो रेड साइड मैच हो गया। अब क्या करते हैं इसको सिंपल दोबारा लगाना है, दोबारा लगाना है, मैंने आपको बताया था कॉर्नर पीस सॉल्व करते टाइम पे कि किस तरीके से लगाना है। तो इस वाले वाइट को फेस नहीं करना है, इस वाले रेड को फेस करना है, ठीक है, कर लिए। अब दोबारा लगाने के लिए इस कॉर्नर पीस को ऊपर मूव करेंगे एंड इस वाले कॉर्नर पीस को इस वाले एच से मिलाएंगे एंड नीचे कर देंगे। तो देखो ये हमारा कॉर्नर पीस एच पीस के साथ में लगते हुए हमारी सेकेंड लाइन धीरे धीरे बनने लगी। अब हम हमारा दूसरा एच पीस देखते हैं, ये है हमारा दूसरा एच पीस। तो दूसरा एच पीस जिस, क्योंकि हमने येलो वाला नहीं पिक किया, हमको ये वाला पिक करना है, तो ग्रीन से ग्रीन मैच करते हैं, मैच हो गया। अब इसके ऊपर वाला कलर कौन सा है, इसके ऊपर वाला कलर है ऑरेंज। अब हम देखते हैं ऑरेंज सेंटर पीस हमारा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, अब देखो राइट साइड में, तो काफी अच्छा एग्जांपल हो गया। अब क्या करते हैं इस वाले ऑरेंज वाला एच पीस इस साइड आने वाला है तो हम इसको अपोजिट साइड में रखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में लगा देंगे, ठीक है। अब इस वाले राइट साइड में जो कॉर्नर पीस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रखेंगे एंड इस वाले कॉर्नर पीस को निकालेंगे, ऊपर करेंगे एंड ये इधर हमारा एच पीस है उस साइड रोटेट कर देंगे, ठीक है, कर दिए, रिटर्न करेंगे वाला मूव एंड इसको दोबारा से इधर कर देंगे। तो देखो ये आ गया एंड इसको दोबारा से लगाना है, तो किस तरीके से लगाओगे, लेफ्ट लेयर को ऊपर करोगे एंड इस कॉर्नर पीस को इधर बुला लोगे तो ये अरेंज हो जाएगा एंड आ गया। कई बार आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी जहाँ पर आपकी सेकेंड लेयर नहीं बनी होगी, फिर भी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे जो एच पीसेस है वो सारे येलो वाले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि येलो वाले छोड़ के आपको एच पीसेस देखने। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे पास में एच पीस है ये फ्लिप है, यहाँ पे येलो कलर वाला एच पीस तो नहीं है, ये वाला जो एच पीस है ये फ्लिप हो गया है, क्योंकि इसको रेड वाला इस साइड होना चाहिए था, ग्रीन वाला इस साइड होना चाहिए था। अब क्या करते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम इस वाले एक्स एच पीस को, इसको हम मान लेते हैं एक्स, जैसे मैथ में हम मानते हैं ना वैसे ही हम इसको मान लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये येलो एंड रेड है, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो येलो है ये ग्रीन से ऑलरेडी मैच हो गया, ठीक है, जस्ट हम मान लेते हैं जस्ट इन केस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस साइड रोटेट करेंगे, अब इस कॉर्नर पीस को निकालने के लिए ऊपर करेंगे एंड जहां एच पीस है हमारा ये वाला एक्स एच पीस उसके तरफ मूव करेंगे एंड दोबारा कर देंगे अरेंज। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे से आप इसको ऊपर मूव करोगे एंड इस कॉर्नर पीस को इस एच पीस के पास में बुला लोगे एंड ये अरेंज हो गया। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो एच पीस है निकल गया, अब आप इसको सिंपल अरेंज कर सकते हो, ये आपको आता है। तो इसको इधर मूव करोगे, इसको निकालोगे एंड इसको अरेंज करोगे। प्रैक्टिस करना काफी आसानी के साथ में आपको बन जाएगा, नहीं तो पॉज करो, इसको दोबारा देखो एंड फिर से सॉल्व करना सीखो, बहुत ही आसानी के साथ में प्रैक्टिस करते करते बन जाए। तो गाइज हमने हमारे क्यूब में बना ली है सेकंड लेयर, अब सेकंड लेयर के बाद हम बनाने वाले लास्ट लेयर और हमारा क्यूब पूरा का पूरा सॉल्व हो जाने वाला है। तो वीडियो को काफी अच्छे से देखना क्योंकि सबसे ज्यादा लोग थर्ड लेयर में ही कंफ्यूज होते हैं, थर्ड लेयर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट मैं आपको सबसे ईजी सॉल्यूशन के साथ में इसको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इसको मैं रखता हूँ साइड में और ये जो चारों क्यूब मैंने यहाँ पे क्यों रखे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले ये मैं सॉल्व क्यूब ले लेता हूँ और एक ट्रिक है उसको आपको सीख लेना है क्योंकि ये ट्रिक आपको अंत तक काम में आने वाली, मतलब
अंत तक आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी, ये ट्रिक आप ध्यान में रख लो। आपको क्या करना है, ये जो राइट लेयर है, ठीक है, राइट लेयर को एक बार ऊपर करना है, एंड ऊपर वाली जो लेयर है उसको इस साइड रोटेट करना है, ठीक है, एक दो, ठीक है, एक दो, तीसरा मूव आपको इसको डाउन करना है एंड चौथा रिटर्न करना है, एक दूसरा मूव इधर, तीसरा मूव डाउन, चौथा मूव इधर, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देखना, हो जाएगा। अब इसी चीज का यूज हम अब करने वाले हैं, ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जब आप अपनी सेकेंड लेयर बना लोगे तो बहुत से लोगों के पास में सिचुएशन इन चारों में से कोई ना कोई आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमको बनाना है हमारे क्यूब में प्लस, जैसे कि हमने बॉटम साइड में प्लस बनाया था व्हाइट कलर का, वैसे ही टॉप साइड में येलो कलर का प्लस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई लक्की पर्सन हो जिसको येलो कलर ऑलरेडी मिल गया हो जिसमें प्लस बना है, बट जिसका नहीं बना है उनके सामने ये तीन केसेस देखने को मिल जाएंगे। तीन कौन कौन से केसेस है, पहले है डॉट केस, यहाँ पे आपको सिर्फ एक सेंटर कलर देखने को मिल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिल जाता है ये वाला केस, इसमें सिर्फ हमको एज पीसेस देखना है, ठीक है, एक कॉर्नर पीस पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे एल देखने को मिल रहा है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, ऐसे हो या चाहे ऐसे हो, ठीक है, ये एल आपको देखने को मिलेगा। तीसरा केस आपके पास में रहेगा एक आई, एक सिंपल लाइन रहेगी, ठीक है। इन तीनों केस में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, और वो फॉर्मूला अभी जो मैंने आपको इस क्यूब में सिखाया वैसा ही सिमिलर है, ठीक है। तो प्लस बन गया है तो अच्छी बात है, प्लस नहीं बनाया तो किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मेरे पास में क्यूब है, इसमें भी डॉट केस है, तो डॉट केस है, ये भी सिमिलर डॉट केस है, बस यहाँ पे कॉर्नर पीस थोड़े अलग अलग है, बट यहाँ पे सिर्फ सेंटर पे देखना है हमको, ठीक है। तो हम सबसे पहले डॉट केस ले लेते हैं, तो डॉट केस ले लेते हैं, तो डॉट केस में क्या होगा, डॉट केस सबसे फ्रीडम केस है, यहाँ पे आप कहीं से भी इसको एल्गोरिदम लगा सकते हैं। ये एल्गोरिदम है, पर मैं आपको समझाऊंगा इस तरीके कि एल्गोरिदम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मूव्स के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूं। अब क्या करते हैं, ध्यान ये देना है कि जब आपके सामने डॉट केस है तो डॉट केस में आप कहीं से भी इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अपना थंब यहां पे रख लो, ये वाला थंब आपको यहां पे रखना है। अब आपने होल्ड कर लिया, होल्ड करने के बाद अब आपको अपना जो थंब है उसको राइट साइड वाला जो थंब है उसको इस वाले बॉटम साइड के एज पीस पे रख लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये वाली जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो फ्री हो जाएगी और आप उससे ये वाली फ्रंट लेयर को मूव कर लोगे आसानी के साथ में। करो, कर लिए, किस साइड रोटेट करना है, इस साइड, ये वाली जो तीन कलर है इस साइड में आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में आ गए। अब जो मैंने मूव आपको पहले बताए थे क्यूब में वैसे करने हैं, वन ऊपर करें, टू इधर साइड रोटेट करें, थ्री नीचे करें, चौथा रिटर्न कर दिए। अब जो फ्रंट लेयर हमारी नीचे से ऊपर गई थी, अब इसको रिटर्न कर दो। अब देखो एल बन गया, ठीक है, एल बन गया, डॉट वाला केस हम अप्लाई कर रहे हैं, एल बन गया। फिर से इसके बाद में यही प्रोसेस लगाओ, ठीक है, फ्रंट लेयर को मूव करें, वन टू थ्री फोर, फ्रंट लेयर को मूव कर दी। अब आई केस आया है, ठीक है, आई केस आया है तो सिमिलर है, आई केस को किस तरीके से होल्ड करना है मैं आपको बताता हूं। अभी ऐसा है, अब आई केस को ऐसा होल्ड करना है कि जब हम फ्रंट लेयर मूव करें तो ये हमारा आई टूटेगा नहीं, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको इस साइड रख लो, या तो इस साइड रख लो, मतलब पैरेलल होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, आपके सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम फिर से ऐसे होल्ड करते हैं, फ्रंट लेयर को मूव करेंगे, वन टू थ्री फोर, एंड इसको रिटर्न कर देंगे, हमारा प्लस बन गया, ठीक है। अब हमारे पास में है एल, ठीक है, एल भी सिमिलर वही था, डॉट यदि आपने सीख लिया तो आपको एल भी बनाना आ जाएगा, आई भी बनाना आ जाएगा, बट कई बार आपके सामने सिर्फ एल पोजिशन आती है, तो एल पोजीशन को कैसे होल्ड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी एल पोजीशन आपके सामने ऐसे आई है, तो एल पोजीशन को ऐसे मत होल्ड करना क्योंकि एल्गोरिदम गलत बैठ जाएगा और प्लस नहीं बनेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाला जो एच पीस है और ये वाला एच पीस है उसको इस तरीके से रखना है कि एक आपके साइड राइट साइड में हो और ये आपके फ्रंट साइड में हो, ठीक है। फ्रंट में ये भी हो सकता है बट यहाँ पर राइट में कोई एच पीस नहीं है, तो इसको इस तरीके से रखो कि एल जो है आपके एक सामने हो और एक राइट साइड में। तो देखो यहां से अप्लाई करते हैं,
ठीक है, फ्रंट लेयर को मूव करें, ठीक है, 1 2 3 4 एंड फ्रंट लेयर को मूव कर दिए। आई आ गया, आई का केस आ गया। आई केस में आपको इस तरीके से होल्ड करना है कि आई आपका इस तरीके से रहे, फ्रंट लेयर को मूव करना है 1 2 3 4 एंड प्लस बन जाएगा, ठीक है। सेम ये भी है और हमारे प्लस कंप्लीट बन गए। तो गाइज हमने हमारे क्यूब में प्लस कंप्लीटली बना लिया। प्लस बनाने के बाद जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कुछ इस तरीके की रहेगी, जहां पर जो हमारा प्लस है उसके बाद में जो नीचे के कलर है, जैसे कि रेड है तो वो रेड सेंटर से मैच रहेगा, ग्रीन है ग्रीन से, ऑरेंज है ऑरेंज से, ब्लू है ब्लू से। तो ये हमको अचीव करना है, ये है हमारा टारगेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक कलर मैच हो रहा है, दूसरा नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं। तो इसको किस तरीके से अचीव करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। कई बार सिमिलर केस में जिनका भी प्लस बन गया होगा वो जब मूव करके देखेंगे तो उनके सारे के सारे कलर ऑलरेडी अरेंज हो जाएंगे। बहुत ही कम केसेस में होता है कि ये बना बनाया आ जाता है, बट जब बना बनाया नहीं आएगा तो किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो नहीं आया बना बनाया, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो प्लस है तो इसको इस तरीके से होल्ड करना है कि इसके दो कलर मैच होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये रेड है तो अभी सिर्फ एक ही कलर मैच है, अब दो कलर मैच करते हैं हम। दो किस तरीके से मैच करने हैं, अपोजिट साइड में नहीं, इसको हमको मैच करने हैं कुछ इस तरीके से, देखो, जिसमें एक कलर आपके लेफ्ट साइड में मैच होना चाहिए और एक बैक साइड में, ठीक है। ये देखो आप रोटेट कर करके देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये करें अभी भी नहीं हुआ, ये करें अभी भी नहीं हुआ, ये करें अभी भी नहीं हुआ, ऐसे करके आप देखोगे तो ये अब जाके हो गया, ठीक है। अब हो गया, अब हमारे पास में दो ऐसे एच पीसेज है जो अभी मैच नहीं है, मतलब ये वाला इधर लगेगा और ये वाला इधर लगेगा। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखना, आपके साथ भी ये केस बार बार आएगा तो आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे कॉर्नर पीस और एच पीस है, मतलब ये जो सेकेंड लेयर है, इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। बिगड़ेगा बट सॉल्व भी हो जाएगा और ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है हमको, ये वाला थंब को सेंटर पे रखना है कि हमारी होल्डिंग पोजीशन बिगड़े ना, और इस वाले थंब को इस वाले बॉटम साइड के एज पीस पे रखना है कुछ इस तरीके से। अब क्या करते हैं, राइट लेयर को ऊपर करेंगे और ये जो हमारे कलर है, ये वाला जो कॉर्नर पीस है, उसको दो बार रोटेट करेंगे इस साइड पे, एक बार दो बार। अब इसको डाउन कर दिए, कर दिए। अब इसको दोबारा यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो हम एक बार लेकर के आएंगे, डायरेक्ट नहीं लाएंगे, एक बार लेकर के आएंगे और दूसरी बार लाना है तो इसको ऊपर करेंगे एंड रिटर्न करेंगे एंड डाउन कर देंगे, ठीक है। ये तो सॉल्व हो गया। अब इसको हम एक बार मूव करेंगे सिंपल, तो हमारे पूरे के पूरे एज पीसेस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे और हमारा प्लस बन जाएगा। एक बार रिपीट करके प्रोसेस ट्राई करो, कंप्लीटली ये बन जाएगा, बहुत आसान है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे क्यूब में परफेक्ट प्लस बन चुका है, थर्ड लेयर में परफेक्ट प्लस। आपने देखा कि ये हमारे पास में जो इस साइड के जो एच पीसेस के कलर है वो सेंटर से मैच कर रहे हैं, देखो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे कॉर्नर पीस अरेंज करने वाले। मतलब कॉर्नर पीस क्या होते हैं, किस तरीके से अरेंज करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा टारगेट, ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड दिख रहा होगा थर्ड लेयर में आपको, ये पूरा का पूरा अरेंज लग रहा होगा, ठीक है, कि इसमें सिर्फ एक ही स्टेप बची है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, धीरे बता रहा हूँ, समझ में आएगा, क्योंकि थर्ड लेयर है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ पे एक कॉर्नर पीस बना बनाया दिख रहा है, ठीक है, ये सॉल्व है। दूसरा देखो तो ये भी सॉल्व ही है, कंप्लीट सॉल्व नहीं है, बट एक ट्रिक के बाद में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो किस तरीके से सॉल्व है, ये येलो यहाँ आ जाएगा फ्लिप होके कुछ इस तरीके से घूम के, ये ऑरेंज इधर आ जाएगा एंड ब्लू, सेम ये भी एंड सेम ये भी। तो ये टारगेट हमको अचीव करना है, इसके बाद क्यूब हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सिमिलर केसेस कुछ लोगों के साथ में ऐसे आएंगे, तीन टाइप के केसेस देखने को मिल जाएंगे, जहां पे एक ऑलरेडी अरेंज रहेगा, बाकी के अरेंज नहीं रहेंगे, ठीक है। अब यही चीज को हम साइड में रखते हैं, सिमिलर केस लोगों के पास में ऐसे भी आएंगे जहां पे सारे बिगड़े दिखेंगे, बट एक ऐसा कॉर्नर पीस होगा जहां पे जैसे कि ये भी अरेंज नहीं है, क्योंकि यहां नहीं लगने वाला है, येलो तो आ जाएगा ऑरेंज जाएगा बट ग्रीन नहीं आएगा। ये वाला देखो, ये वाला अरेंज है, क्योंकि येलो यहां आ जाएगा, रेड यहां आ जाएंगे एंड ब्लू यहां आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक अरेंज है, बाकी के अरेंज नहीं है, ठीक है। एंड एक और केस आएगा, ठीक है, मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो,
यदि इसमें से कोई भी केस का आपका पास में क्यूब है, बना बनाया है तो बन गया है, बट बना बनाया नहीं है तो तीनों में से कोई ना कोई रहेगा, तो समझ जाओ कि इस तीनों में से एक क्यूब मेरा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये भी अरेंज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो तीनों का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। पहले हम ट्राई करते हैं ये वाला, ठीक है, इसमें जो है ये है एक सॉल्व, हमको एज कॉर्नर पीस मिल गया, इसको रख लो हमारे लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में मतलब इस तरीके से। अब जो फॉर्मूला यूज करना है काफी अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है, थोड़ी हंसी आएगी पर बहुत सही तरीके से। ठीक है, ये जो बिगड़ा हुआ है इसको आपके राइट साइड में रखना है, सॉल्व वाले को लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये मूव नहीं होना चाहिए इसलिए लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले डबल लेयर के मदद से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मूव करो, इसको ऊपर घुमाए, ठीक है, इसको ऊपर घुमाए और इधर भेजा दिए, किस साइड में भेजना है, क्योंकि राइट साइड में को हम ऊपर कर रहे हैं तो राइट साइड भेजा दिए, लेफ्ट साइड को ऊपर करें, लेफ्ट साइड भेजा दिए। ठीक है, अब ये हमारा बन गया है तो इसको नीचे कर दिए, लेफ्ट साइड वाला इधर गया था तो इसको बुला लिए एंड नीचे कर लिए एंड दोबारा से इसको इधर करें, तो ये हमारे पूरे के पूरे अरेंज हो गए। देखो ये भी अरेंज हो गया, ये भी, अगर नहीं होता तो एक और बार प्रोसेस वही अप्लाई करो, हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। दूसरा केस जहां पे हमको सिर्फ एक कॉर्नर पीस अरेंज मिलता है बाकी के नहीं, ये भी है, ये भी अरेंज ही है ना, वहां पे सॉल्व था ये अरेंज है, तो इसको भी हम लेफ्ट में रखते हैं, बाकी के हम अरेंज करते हैं। इन दोनों को हम ऊपर करेंगे, राइट लेयर को ऊपर करें, राइट साइड भिजवा दिए, लेफ्ट वाले को ऊपर करें, लेफ्ट साइड भिजवा दिए, बन गया हमारा एक, इसको रिटर्न करें, रिटर्न करें इसको भी, लेफ्ट वाला जो इधर गया था इसको नीचे कर दिए। ठीक है, सिंपल तरीके से, और इसको एक बार रोटेट कर दिए। अब देखो कि अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है, फिर से यही ट्रिक एक और बार अप्लाई करो, राइट लेयर को ऊपर करो, राइट साइड भिजवा दो, लेफ्ट लेयर को ऊपर करो, लेफ्ट साइड भिजवा दो, बन गई वाली लाइन, इसको नीचे कर दो, लेफ्ट वाला इधर गया था उसको रिटर्न करो, ये लाइन बन गई, इसको नीचे कर दो। देखो यहाँ पे हमारा का पूरा क्यूब अरेंज हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तीनों हमारे बन गए। अब एक और केस है ये वाला, जिसमें हमको एक भी कॉर्नर पीस अरेंज नहीं मिलता है, इसको कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक भी कॉर्नर पीस हमारा अरेंज नहीं है, तो इस वाले को ऊपर करो, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, राइट लेयर को ऊपर करो, राइट साइड भिजवा दो, लेफ्ट लेयर को ऊपर करो, लेफ्ट साइड भिजवा दो, ये लाइन बन के नीचे करो, लेफ्ट वाला जिधर गया था उसको इधर करो, ये इसको नीचे कर दो, ये अब एक ना एक कॉर्नर पीस अरेंज मिल जाएगा, जैसे कि ये मिल गया, एंड आप सिंपली इसको फिर से कर सकते हो और ये हमारे चारों क्यूब अरेंज हो गए। तो गाइस ये चारों के चारों क्यूब हमारे अरेंज हो गए। अब लास्ट स्टेप इसकी बची हुई है, सिमिलर रहे बट सिचुएशन ऐसी है कि कुछ कुछ सॉल्व है, कुछ अनसॉल्व्ड है, अरेंज है। ठीक है, ये दूसरा केस ऐसा है कि यहाँ पे भी अरेंज है पर ये पूरे के पूरे सॉल्व नहीं है। इसमें भी सेम यही वाला केस है जिसमें ये है, ठीक है, एंड सेम ये वाला, इसमें एक सॉल्व है पर तीन अनसॉल्व्ड है। आपको जब भी जितने बार क्यूब सॉल्व करोगे, पहली बार करोगे ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, दूसरी बार करोगे इसमें से कोई आ जाएगी, तीसरी बार करोगे इसमें से कोई आ जाएगी। ठीक है, मैं सब बता दे रहा हूं, इसमें क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे और पागल नहीं होंगे कि यार क्या बता दिया। ठीक है, तो अब ये चीज है, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाली सिचुएशन ट्राई करते हैं जहां पे हमारा एक कॉर्नर पीस अरेंज है। तो इसको अब क्या करना है, ये जो हमारा व्हाइट कलर है इसको टॉप में रख लो, ठीक है, और ये जो कॉर्नर पीस जो ऑलरेडी अरेंज है उसको इस तरीके से रखो कि ये हमारे लेफ्ट साइड में रहे, ये बिगड़े ना। अब जो मैंने मूव आपको बताया था इस क्यूब में, इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से लगाना है, तो ये याद है आपको, सेम चीज यहां पे लगानी है। ठीक है, भूलना नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहां पे रखना है एंड इस वाले कॉर्नर पीस को सॉल्व करना है, करो मेरे साथ साथ करना है आपको, 1 2 3 4, ठीक है, बिगड़ेगा पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर से 1 2 3 4, देखो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ ये, 1 2 3 4 अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, 1 2 3 4 देखो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखेगा, पर ऊपर का तो बिगड़ गया, पर बिल्कुल पैनिक मत हो, हम ये वाला सॉल्व करते हैं। अब इसको इस साइड नीचे लेकर के आओ,
ठीक है, इस वाली लेयर के नीचे लेकर क्या जो बिगड़ गई है, ठीक है, होल्डिंग पोजिशन चेंज नहीं करने तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर से करते हैं 1 2 3 4, जब तक करते आना जब यहाँ पे सॉल्व ना हो जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया सेम ये वाला, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो हमारा पूरा का पूरा क्यूब बन गया। अब ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक भी कॉर्नर पीस सॉल्व नहीं है, तो इसको फिर से हम व्हाइट कलर को टॉप में रखते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 अरेंज हो गया, ठीक है। अब इसको नीचे लेकर के आते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अरेंज हो गया। अब सेम ये वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया अरेंज। अब ये वाला बचा, ठीक है, मूव सही लगाने। अब ये वाला बचा हुआ है, इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जो मूव्स है वो गड़बड़ नहीं लगाने हैं आपको, ठीक है, और ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो गाइज ये हमारे चारों चारों क्यूब सॉल्व हो गए। वीडियो थोड़ा सा लंबा था बट मैंने डीपली आपको समझाया है, बहुत ही क्लियरली समझाया है, सारे एग्जांपल्स लेकर के समझाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उन सभी दोस्तों में शेयर करना जिनको क्यूब सॉल्व करना नहीं आता है, और सॉल्व करो, अपने स्कूल में लेकर के जाओ वहां पे परफॉर्म करो, कॉलेज में लेकर के जाओ वहां परफॉर्म करो, एक अलग ही वाइब आती है यार, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील करते हो। वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी यार, पूरी दिन रात मैंने किया है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, उन सभी दोस्तों में शेयर करो जिनको क्यूब बनाना नहीं आता है। मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इससे भी अच्छी अच्छी एडवांस ट्रिक आने वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर देना यार।